हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल्स। केमिस्ट्री में हमने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। आप सोच रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल क्यों? पीरियोडिक टेबल तो फिफ्थ लेसन में है और फर्स्ट लेसन में आपका केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शन के लिए आपको एलिमेंट चाहिए रहता है, और एलिमेंट कहाँ मिलता है आपको? पीरियोडिक टेबल पे। यदि आप एलिमेंट के बारे में अच्छे से जान रहे हैं तो आपके कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब अच्छे से बन जाते हैं। आप कंपाउंड खुद भी बना सकते हैं। इसमें आप देख रहे हो सभी प्रकार के एलिमेंट हैं। थ्री टाइप्स के आपके पास एलिमेंट होते हैं, आपको पता है, कंप्राइजिंग ऑफ थ्री एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट एंड मेटलॉइड। थ्री टाइप्स होते हैं आपके पास। उसी प्रकार आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है कंपाउंड का या मिक्सचर का, वो किससे होता है? एलिमेंट से ही होता है। एलिमेंट से ही हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जैसे एक कंपाउंड देखते हैं, NaCl, दिख रहा है आपको NaCl। अब देखिए Na कहाँ है? आपका फर्स्ट ग्रुप में है। कौन सा है? S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में। और Cl कहाँ है आपका? ये 17 ग्रुप है, ये 17 ग्रुप हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसके सेकेंड में आपको दिख रहा है ये। अब आप देखोगे इसमें टोटल, अभी हमें ग्रुप कह रही हूँ, ये ग्रुप कितने होते हैं? टोटल इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन। यानी टोटल आपके पास कितने एलिमेंट ग्रुप्स हुए? 18। और पीरियड्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पास पीरियड्स होते हैं इसमें। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप से मिलकर क्या बनता है आपका? पीरियोडिक टेबल बनता है। हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़े क्या ये। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं? ब्लॉक के बारे में देखो, आपको बताते हैं ब्लॉक्स। तो इसमें 4 होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एक ब्लॉक और होता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आपके पास ये दिख रहा होगा आपको, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। ये दोनों आपका अलग से होके ये बनाते हैं क्या आपके पास? F ब्लॉक बनाते हैं। तो हमको F ब्लॉक का भी इतना जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग को मेन पढ़ना है S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानना है आपको। D ब्लॉक में आपको रहेगा आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, प्लेटिनम भी हल्का कहीं यूज होगा, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मर्करी, लेड, बिस्मिथ। तो ये सब आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको यूज होंगे। कुछ है आपके पास टंगस्टन, आपको मालूम होगा टंगस्टन कहाँ यूज होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा। यदि आप ऐसे भी पढ़ जानते होगे तो बल्ब का जो पहला फिलामेंट, जो पहले बल्ब रेड कलर का आता था, आपके वाले इस बल्ब कोई बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो टंगस्टन बच्चों, तो ये फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है टंगस्टन आपका। तो ये हो गया आपके पास डी एलिमेंट। डी एलिमेंट में आपको जानना होगा, देखो ये आयरन है। अब देखो हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। आप यदि पढ़ लिए होगे, यदि फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप जानते होंगे इसको फेरस और फेरिक दो ए में बोला जाता है। उसी प्रकार कॉपर को क्यूपरस एंड क्यूपरिक, ये दोनों होता है। मरकरी का भी होता है मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरी। अब ये क्यों होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों, अब हम आपको बता रहे थे इसको फेरस एंड फेरिक। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। आप अभी इसको आगे क्लास में पढ़ोगे, इसके बारे में हल्का बस बता देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स होता है चेंज होना, परिवर्तित होना। तो देखो ये आयरन है ये, तो इसमें जब 2+ आयन होता है, 2+ में ये क्या कहलाता है? फेरस कहलाता है। और जब 3 होता है इसका वैलेंसी, तो ये फेरिक कहलाता है, फेरिक। अब यहाँ पे आपके पास कॉपर, कॉपर में यदि 1 होता है तब ये कहलाएगा क्यूपरस, और 2 होता है तो कहलाता है क्यूपरिक। यानी जब कम होता है तो यानी वो फेरस या अस लगाएंगे, समझ लीजिए आप। और जब ज्यादा होता है, जैसे ये 2 और 3 था, तो 2 इसका कम वाला नंबर है, तो ये क्या कहलाया? फेरस। और अधिक वाला क्या क्या? फेरिक। तो इसी प्रकार सेम होगा इसका क्यूपरस, और जब ये C U डबल प्लस आयन दिखाएगा तो ये क्या हो जाएगा?
क्यूपरिक, समझ आ रहा है आपको? फेरस, फेरिक, क्यूपरस एंड क्यूपरिक। अब इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे FeO आपका फर्स्ट लेसन में यूज हुआ है, FeO, Fe2O3। देखिए अब मैं इसमें आपको फेरस और फेरिक बता रही हूँ, तो यहाँ पे है ये फेरस, देखो 2+ आयन और इसका भी 2+ आयन, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, क्योंकि जब सेम होते हैं तो हम लिखते नहीं है, तो ये हो गया क्या, फेरस ऑक्साइड हुआ, और ये क्या पढ़ाएगा, फेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे इसको। तो ये है क्या आपके पास, क्योंकि ये 2+ आयन दिखा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे 3+ आयन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं क्रॉस, आपने 9th में पढ़ा होगा, ध्यान होगा आपको, तो Fe2O2 इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और यदि सेम होते हैं तो हम नहीं लिखते हैं उसको, लिख देते हैं FeO। उसी प्रकार आपके पास हो जाएगा Fe3O का 2 ही है तो आप फिर से क्रॉस करो, तो आपके पास क्या बना, Fe2O3। यानी 2 टाइप्स के कंपाउंड बने आपके पास एक ही एलिमेंट से, समझ आ रहा है ना? उसी प्रकार कॉपर में भी होता है आपका। तो डी ब्लॉक के लिए हमारा इतना ही है, आपको डी ब्लॉक में बस 1-2 एलिमेंट है, जो जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो सिल्वर क्लोराइड पढ़ोगे तो सिल्वर का तो सिंगल वैलेंसी ही दिखाता है, लेड की 2 वैलेंसी दिखाती है, तो ये सब अब हमको नहीं, इतना ही करते हैं, हमको मेन पढ़ना है अब पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक, तो इसको हम मिटा देते हैं इतना से। एंड जिंक भी आप पढ़ोगे, जिंक भी आपके काफी यूज होगा, जिंक का आपके पास 2+ आयन के रूप में यूज होगा हर जगह पे, आपको बहुत जरूरी है उसका वैलेंसी याद रखना, वैलेंस। बच्चों इसमें एक और चीज हम बता दें आपको, इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स आपको मालूम है तभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते बनेगा आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपकी वैलेंसी आपसे बनेगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स कैसे होते हैं, देखिए ये 1 एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, सबसे काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है 1, तो हाइड्रोजन हीलियम क्या हो जाएगा, आप पढ़ते ऐसे हैं, यानी कि पीरियड वाइज हम पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज भी पढ़ते हैं, लेकिन हम मेन आपके पास यदि 1 के बाद आना है 2, तो ये होगा हीलियम, 2 नंबर पे हीलियम आएगा, उसके बाद 3 नंबर पे आपके पास लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे है, फिर आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये आपके पास नंबर। तो देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से इसमें होता है, तो कम से कम आपको 30, यानी आपके पास जिंक 30 नंबर पे आता है, तो 30 नंबर तक के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स आपको लर्न होने चाहिए, जिससे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते बन जाएगा और आपका वैलेंसी आपको आसानी से निकल जाएगी। देखिए अब वैलेंसी, अब देखो अब एक नया खेल खेलते हैं, देखिए ये एस ब्लॉक है, सबसे फर्स्ट वाला क्या कहलाता है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट, फर्स्ट वाला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंसी 1 ही आएगा, सभी एलिमेंट की वैलेंसी 1 ही होती है, तो इसीलिए आप जब ये ग्रुप लर्न हो जाता है आपके पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये आपके पास 7 एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में होते हैं। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हाइड्रोजन का तो 1 होता है तो 1 ही कहलाएगा, लिथियम का होता है 3 तो हो जाएगा आपके पास 2 एंड 1, और हाँ ये आप जानते होंगे इसको कि 2, 8, 18 एंड 32 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पहले हम 2 लिखते हैं, अब इसमें 2 क्यों नहीं लिखे है पूछोगे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ओनली 1 है ही है, तो हम 2 लिख ही नहीं सकते, तो हम स्टार्ट करते हैं किससे, पहले 2 से, तो लिथियम के पास आपके पास क्या हुआ 2, 1, आपके पास फिर सोडियम आता है जो कि 11 है, तो ये हो जाएगा 2, 8 एंड 1, देख रहे हो सबके लास्ट में कितने आ रहे हैं आपके पास 1, 1, तो यानी इनकी वैलेंसी कितनी है 1 है। उसी प्रकार सेम आपके पास पोटेशियम भी कर सकते हो, 19 हो गया 2, 8, 8 आपके पास 1। तो बच्चों हम लोग देखा फर्स्ट ग्रुप का, एंड एस ब्लॉक का ही सेकंड ग्रुप में देख रहे हो आपके पास बेरिलियम है, तो बेरिलियम किस नंबर पे आएगा, हाइड्रोजन फर्स्ट हुआ, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, तो ये फोर्थ नंबर हुआ, तो फोर्थ नंबर के लिए आप देखोगे क्या 4, इसका हो जाएगा 2 एंड 2 एंड आपके पास मैग्नीशियम आ जाएगा, तो मैग्नीशियम आपके पास 11 के बाद 12 है, ये हो जाएगा 2, 8 एंड 2, तो ये मेन इसका मेरे को दिखाने का ये है कि लास्ट में देख रहे हो आपके पास 2, यानी इसकी वैलेंसी
वैल्यूज पता चल गई आपको, वन एंड टू। अब देखो और इधर वैलेंसी है, देखो बोरान थ्री है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, टू सॉरी बोरान फाइव, टू एंड थ्री, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, थ्री। कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी फोर, क्योंकि ये सिक्स पे है, तो सिक्स के लिए होता है आपके पास टू एंड फोर। नाइट्रोजन सेवन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू एंड फाइव। ऑक्सीजन का हो जाएगा आपके पास एट, तो हो जाएगा टू एंड सिक्स। और फ्लोरीन का हो जाएगा क्या आपके पास, नाइन, तो टू एंड सेवन। अब आप बोलोगे कि वैलेंसी तो मैडम ये बता दी है, तो इसके पहले वैलेंसी तो तीन हुआ, चार, इसका वैलेंसी पाँच होगा, इसका वैलेंसी छः, इसका वैलेंसी सात, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। क्या होता है, फाइव, फोर तक हम कुछ नहीं करते, फाइव, ये आप देख रहे हो फाइव, तो फाइव को क्या करते हैं, हम एट से माइनस कर देते हैं। फाइव जैसे ही होता है हम एट से माइनस कर देते हैं, तो एट से माइनस करेंगे तो हमारी वैलेंसी क्या आ गई, थ्री, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, थ्री। और सिक्स को अब उसी प्रकार एट से माइनस कर दोगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, टू, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी आप पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो, ऑक्सीजन टू पढ़ते हो, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी टू होती है, आपको पता होगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी फाइव ना होके क्या होती है, थ्री होती है। अब ये थ्री कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा, एट से आप क्या करोगे, फाइव को माइनस करोगे, तो फिर उसी प्रकार नाइट्रो फ्लोरिन सेवन, तो सेवन को आप क्या करोगे, नाइन से माइनस कर दो, सॉरी एट से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या, वन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, देखो अब आपको एक चीज़ बताती हूँ, इधर की वैलेंसी भी वन है देखो, और इधर जाएंगे इनकी इलाज वाले को छोड़ देंगे मुझे, क्योंकि इसकी कंप्लीट है, ये कंप्लीटेड है, इसको आप जीरो ग्रुप भी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो उसको, जीरो ग्रुप। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, चलो हीलियम टू वैलेंसी क्या है इसकी, तो देखो अब ये टू है तो इसका टू ही आएगा, नाइट्रो नियॉन तो आपके पास हो जाएगा टेन, तो हो जाएगा टू एंड एट, एट है, टू एट एंड एटीन, ये ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल मीन्स होता है लास्ट का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स का है, ऑर्बिट के नंबर है इलेक्ट्रॉन के, वो एट ही होने चाहिए, या तो टू होने चाहिए, बहुत कम है, तो जैसे टू में आपके पास दस हाइड्रोजन आता है, और उसके बाद लिथियम आता है, बेरिलियम, और उसके बाद आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके में ऑक्टेट रूल लग जाता है, तो लास्ट में एट कम्प्लीट होना चाहिए उसके पास, तो इसीलिए इसमें प्लस ये ओनली क्या बनाएंगे। अब देखो अब एक और बताती हूँ आपको, ये मेटल है, ये क्या है, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं, मेटल एंड आपके पास हो जाता है नॉन मेटल, तो ये मेटल है और ये जो बी के डी ब्लॉक होते हैं ये भी मेटल होते हैं, और मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन होते हैं, मेटल हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों आयन क्यों होते हैं ये भी बताती हूँ आपको, तो हम लोग जैसे पढ़े थे सोडियम का ले लेते हैं, टू एट एंड वन। अब मैंने आपको बताया ना ऑक्टेट रूल लगता है, ऑक्टेट रूल के अनुसार लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एट होना चाहिए, लेकिन उसके पास कितना है, वन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेवन इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो सेवन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी चाहिए रहता है, इलेक्ट्रॉन इनमें सभी काम एनर्जी से हो रहा है, तो एनर्जी चाहिए रहता है, उसका एनर्जी इसके पास नहीं होता, तो ये क्या करता है, लूज कर देता है अपने, इसको वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज। अब देखो सोडियम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पढ़े हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ही 11 होते हैं और प्रोटॉन के नंबर भी 11 ही होते हैं, दोनों 11 फुल होते हैं। अब आप देखोगे दोनों भी पॉजिटिव 11 होते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या होता है, कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल होता है, कोई भी एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही किसी में क्या आ जाती है, तो प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, पता है आपके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये कोई पार्ट
पार्टिसिपेट नहीं करते, ओनली आपका जो वर्क करता है वो बेचारा इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा वर्क करता है। लेना होगा तो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपके पास गेन करना है तो इलेक्ट्रॉन, लॉस करना है तो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कुछ नहीं करता, यानी प्रोटॉन के नंबर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो अभी आप क्या, मैंने बताया आपके पास ये क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन क्या क्या दिया, लूज किया। तो लूज किया मतलब कि माइनस वन हो गया इसके में। अब माइनस वन हुआ तो कितना हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि आप मैथ में भी पढ़ते हो तो देखो ये प्लस हो, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो हम पढ़ते हैं ना, जिस संख्या का चार्ज ज़्यादा है उसी को लगा देते हैं। तो देखो ये प्लस है तो यानी क्या हो जाएगा, जो भी, या तो ऐसे याद कर लो कि जो लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन वो हमेशा पॉजिटिव आयन होते हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी अपना इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं और हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे। वन पॉजिटिव आयन, टू पॉजिटिव आयन एंड थ्री पॉजिटिव आयन, इससे करके आपके पास आयन्स बनते हैं। फिर आपका आ जाता है सी, कार्बन। कार्बन में आपके पास सिक्स होता है यानी कि टू एंड फोर। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना चाहिए, फोर ही चाहिए ना। या तो ये फोर को क्या करते, लूज करे या फोर गेन करे, दोनों काम करेगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये क्या करता है, ना लूज करता है ना गेन करता है, ये क्या कर लेता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपका। इस बात को आपको समझ आ गया कि पूरे क्या है इसमें, मेटल है। अब हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। पी ब्लॉक में आपके पास तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखो ये मेटल है आपके पास, क्या है ये मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है ना, मेटलॉइड भी है इसमें एंड नॉन मेटल भी है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नॉन मेटल में आपके पास अधिकतर क्या होते हैं, गैसियस स्टेज में होते हैं। कौन से स्टेज में होते हैं, हाँ ये भी समझ सकते हो आप इसमें। देखो आपका भी जब इलेक्ट्रॉनिक केमिकल इक्वेशन पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे ना कि गैसियस स्टेज में है कोई, कोई लिक्विड में है तो L लिखेंगे, कुछ सॉलिड है तो S लिखेंगे। अभी लिखते कैसे हैं ये भी समझना चाहिए। तो देखो जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सॉलिड स्टेज में होते हैं। इसमें आपके पास दो चीज़ को तो छोड़ दो, ये मरकरी। तो बच्चे पढ़ते थे क्या, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड आपके पास, सॉलिड टोटल आपका मेटल एलिमेंट वो हमेशा सॉलिड ही रहेंगे। जैसे आप एफ ई लिखोगे तो एस ई लिखोगे उसके सामने, एन ए करोगे तो भी एस लिखोगे उसके सामने, एम जी किया है आपने तो भी एस लिखोगे आप, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पास जो एलिमेंट हैं वो हमेशा सॉलिड में रहेंगे। और इधर आपके पास नॉन मेटल में, नॉन मेटल आपके पास कौन में रहता है, लिक्विड सॉरी गैसियस स्टेज में रहता है। जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, तो ये फास्फोरस सल्फर जो भी है, तो ये कौन से स्टेज में रहेंगे, हमेशा गैसियस स्टेज में। तो उसके सामने आप लिखते हो इस प्रकार से, ये डाल दो। लिक्विड स्टेज में आपके पास आ जाता है, एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन में आपका मर्करी है जो कि हमेशा लिक्विड स्टेज में रहता है। अब एक आपका नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन आता है, ब्रोमीन, ये भी लिक्विड स्टेज में होता है, ठीक है। बाकी तो फिर इक्वल सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, वो अभी आप बाद में पढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने बताया क्या, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अभी हम पढ़ रहे थे वैलेंसी। अब देखिए इधर तो टू हो गया, ये थ्री, ये फोर, यानी कि ये बना। तो अब आपके पास आता है नॉन मेटल के, तो नॉन मेटल हमेशा क्या बनाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव आयन होते हैं इधर, तो नॉन मेटल में हमेशा निगेटिव आयन बनाते हैं। कौन सा आयन्स बनते हैं, नेगेटिव। तो आयन्स कैसे बनते हैं ये भी पता चल गया होगा आपके पास, कि सोडियम में 11 एंड सोडियम 10। तो ये क्या हुआ, आयन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब लेकिन देखो देखते हैं हम क्लोरीन का, क्लोरीन में है 17, तो 17 का क्या होगा, 2, 8 एंड 7, 2, 8, 10 प्लस 7। अब देखो इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली वन इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, एक गेन करेगा, गेन कर लेगा ना। तो गेन कैसे करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन वैसे बताई कि मैं 17 है, प्रोटॉन भी 17 ही है, तो अब आपके पास इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 18 हो जाएंगे। किसका नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्लोरीन जब बन जाएगा तो कौन सा आयन बनाता है, माइनस, और सोडियम कौन सा बनाता है, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ कम और इसमें क्या हुआ इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ। तो ये गेन करने पर माइनस आयन बनाया, और ये या फिर नेगेटिव आयन भी बोल सकते हो,
एच ने पॉजिटिव आयन बनाया और दोनों जब मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, अब इसका तो क्या बना आपका, क्या बनेगा? तो बच्चों ये सोडियम क्लोराइड ना, तो इसने क्या किया, लूज किया और इसने गेन किया, तो ये क्या बना, आयोनिक कंपाउंड, यानी हमेशा एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक पी ब्लॉक के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, आयंस बनेंगे ना, तो आयंस क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे, और हमेशा पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में, पी ब्लॉक के एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका आपको समझ आ गया होगा? हाँ बच्चों, अभी हाँ एक और चीज जान लो आप, कि जैसे हमने बताया कि इसका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिला के आयोनिक, लेकिन एस ब्लॉक आपस में नहीं बनाते कोई भी बॉन्ड, यानी कि प्लस प्लस कोई बॉन्ड नहीं बनेगा इसका, आपका अपने में आपस में ये बॉन्ड बना देंगे, जैसे क्लोरीन 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 प्लस क्लोरीन ये बनेगा, लेकिन इसका सोडियम प्लस सोडियम आपका नहीं बनता है, यानी कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं आपस में रिएक्ट करके आपके पास क्या बना देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ओनली इन दोनों के बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।